एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.12। ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला गिवन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट एट द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके मैग्नेट के सेंटर से जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो है वो हमें ये बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2m अपॉन डी स्क्वायर। डी कहाँ से, सेंटर से हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10^-7 हो गई इंटू में 2m की वैल्यू दी गई है दैट इज 0.48 और डी मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर आएगा, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 0.96 गॉस। सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें कहाँ पे बोला गया है, इक्वेटोरियल लाइन पे बोला गया है, यानी कि इसके सेंटर से जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें बताना है। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में एम अपॉन डी स्क्वायर के बराबर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10^-7 इंटू एम की वैल्यू 0.48 और डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 0.48 गॉस के बराबर।